नमस्कार, आप हैं एसआर सोनल के साथ में और मेरा नाम है हितेंद्र कोदौलिया। लोकसभा चुनाव की जब से शुरुआत हुई है, गुना शिवपुरी लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यहां पर प्रचार शुरू से ही बहुत आक्रामक स्वरूप में शुरू कर दिया गया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 4 बार इलाके का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया भी अपने पति के लिए प्रचार में जुट गई हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे महारिमन सिंधिया भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में इलाके में होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी बीते कुछ दिनों से गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों की अलग अलग विधानसभाओं में मातृशक्ति सम्मेलन कर रही है। आज वह अशोकनगर पहुंची और अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभाओं में एक कार्यक्रम किए। इस दौरान मुख्य रूप से श्रीमती सिंधिया ने सिंधिया परिवार के इस इलाके से जो 300 वर्ष पुराने संबंध है उनको याद किया और बड़े ही एक मजेदार अंदाज में कहा कि उनको कहीं नहीं जाना, यही काम करना है और इससे बाहर उनको होना भी नहीं है। हालांकि मुंगावली में बात करते करते उन्होंने ये भी एहसास कराया कि बीते दिनों या पीछे चुनाव में जो परिणाम आए थे उनसे कुछ देर के लिए उनको गुस्सा भी आया था, मगर अब सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इस दौरान श्रीमती सिंधिया ने यह बताना बिल्कुल नहीं भूला कि जब कोरोना का माहौल था तब सिंधिया किस तरह से इस इलाके के लिए काम कर रहे थे। साथ ही लगातार इस इलाके से सिंधिया और उनके परिवार का जो संबंध बना हुआ है उसको लेकर भी चीजें लोगों के बीच में रखी है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों से अलग अलग समाजों के बीच हो रहे सम्मेलनों के बाद मातृशक्ति सम्मेलन पर बीजेपी और सिंधिया से जुड़े लोगों ने काफी फोकस कर रखा था और इसके लिए तमाम सारे राजनेता बीते कुछ दिनों से लगे हुए थे। इसी का परिणाम था कि मातृशक्ति सम्मेलन पिछले कुछ सम्मेलनों की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक ठाक जनसंख्या बल के हिसाब से अच्छा दिखा। तो एक बड़ा आयोजन श्रीमती सिंधिया के लिए था और इस दौरान उन्होंने कई मजेदार चीजें भी कहीं, कई ऐसी चीजें जो लोग सुनना चाह रहे थे या उस तरह की चीजें जो देखना चाह रहे थे वो दिखने को मिली, क्योंकि इससे पहले भी हुए चुनावों में लगातार पिछले 20-22 वर्षों से प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया जिले के दौरे पर रहे। क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको और कितना काम इस क्षेत्र में, आपने घूम घूम के लगातार आप आते रहे हो, कितना काम इस क्षेत्र में हुआ और अब कितना और आपको जरूरत लगती है इसमें? काम तो हर चुनाव के बाद या और भारत में पिछले 5 सालों में भी मुझे आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने खुद देखा है महाराष्ट्र का काम, आप चाहते हैं महाराष्ट्र के साथ और उनका प्यार और उनका प्रयास आपने खुद देखा है ना या नहीं? हाँ। तो इस कारण अब जो है वो है, हमने पूरी प्रयास की है, हम यहाँ ही रहेंगे, हमें काम इधर ही करना है और 7 तारीख को रिजल्ट तो सबको दिख ही जाएगा। काफी सारे काम हुए हैं लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब और कौन सा काम यहाँ पर होना बाकी है? अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा भागीदारी के काम भी बाकी है जो हम सिटीजन्स के साथ मिलके भी कर सकते हैं, जैसे क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट्स है तो वो अकेले न गवर्नमेंट कर पाएगी न नगर निगम कर पाएगी, हमें भी उनको मदद करना पड़ेगा कि हम कचरा नहीं फेंकें, हम अपना क्षेत्र को और घर को साफ रखना हमारे हाथ में है। अभी इतने स्कीम्स निकले हैं महिलाओं के, महिला निकले अपने स्कीम्स पढ़े देखे, अपने भाइयों को पूछे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, हो जाएगा स्लोली स्लोली। जैसे महिला आगे बढ़ती है वो पूरे गांव घर क्षेत्र को अपने साथ ले जाने का उसका आदत है। भविष्य में हम आपको भी सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, मैं मेरे पति के पीछे हूँ, वो आगे चलते रहेंगे इस पॉलिटिकल जर्नी पे और मेरा जगह है उनके पीछे। एक बार एक क्वेश्चन और है कि अभी तक पिछले चुनाव में से महाराज साहब कांग्रेस के उससे लड़ते रहे तो महाराज के फैन फॉलोअर्स जो है वो कांग्रेस वाला है, तो इस बार उनको चुनाव चिन्ह बदलने में इस टाइप से ये परिवार और परिवार में इसमें मशक्कत करना पड़ रही है क्या? परिवार में चिन्ह नहीं, मैंने पहले भी वही चेहरे देखे, अभी भी वही चेहरे देख रहे हैं क्योंकि उनका काम और हमारे परिवार का 300 साल पुराना काम सबको मालूम, ये कोई नई चीज नहीं और फैंस नहीं है हमारे परिवार के लोग।
जहाँ वो जाएंगे सब साथ में आएंगे। महाराज साहब, कुछ कमी आपको ऐसी लगती हो जो विकास में कहीं रह गई हो, जो आप महाराज साहब से बोलेंगे इस क्षेत्र के लिए? आपने जैसे घूमा क्षेत्र में, लगातार आपके दौरे भी होते हैं कुछ सालों में। मुझे यकीन है कि आपने महाराज से बहुत इंटरव्यूज किए और आपको मालूम है कि उनकी आँख कितनी तेज है, तो जितने चीज़ें वो देखते हैं मैं भी नहीं देख पाती हूँ। कभी कभी वो मुझे भी पूछते, आप उधर गए थे, वो देखा, और मैं बोलती हूँ नहीं, अरे कहाँ देख के जाते हो तुम? तो फिर क्या होता है कि उनकी जो जो काम होता है उनका, वो बहुत बहुत बारीक तरफ किसी को नहीं दिखेगा, पर अंदर से क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, किसके लिए होते हैं, कौन मदद के लिए आता है, वो किसके पास मदद के लिए जाते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आप सब थोड़ा सा सोचें कि ये सब क्यों करते हैं। ये करते हैं क्योंकि उनको, उनका दिल इधर है, उनका जान इधर है, उनके लोग इधर है, उनके परिवार इधर है। यहाँ से जाके कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है, कोई हमें इधर से नहीं निकाल सकता, आज तक कोई किसी ने नहीं निकाला। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखेंगे, मुझे तो लगता है अच्छा है। काम लोगों ने उनको मिस भी किया है काफी, और उन्होंने कभी घोर में आना नहीं छोड़ा, और कोशिश हर वक्त रही कि जब भी वो आए, चुनाव के बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ योजना लेके ही आए, कभी खाली हाथ नहीं आए। और ये उनका वचन था, हर एक इस क्षेत्र का औरत बच्चा आदमी की को, कि मैं कभी भी आप खाली हाथ नहीं आऊँ, और आज तक वो कभी खाली हाथ नहीं आया।